नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमित भारद्वाज, गुटेट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो कि किसानों का उत्पादन संगठन है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको मसूर की फसल में जो मुख्य रोग लगता है उकटा रोग, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। उससे पहले किसान भाइयों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि जो भी नया हमारा वीडियो पड़ेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं ये मसूर की फसल है और इसमें इस समय उकटा रोग आना प्रारंभ हो गया है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको उकटा रोग के बारे में पूरी जानकारी देंगे, उसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, उसका नियंत्रण आप कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, आप पूरी वीडियो देखें, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो किसान भाई, बात करें अगर पहचान की, तो इसकी पहचान करना बहुत ही आसान है। जिन पेड़ों में उकटा लग जाता है वो पौधा सूखना प्रारंभ हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये पौधा जैसे सूख रहा है, इसमें उकटा रोग आ रहा है और धीरे धीरे इस तरीके से सूखता सूखता वो पूर्ण रूप से सूख जाता है और जो पौधे स्वस्थ हैं वो बिल्कुल हरे हुए आपको दिखाई देंगे, जैसे वो दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। तो अगर और ज़्यादा आप पहचान करना चाहते हैं किसान भाइयों, तो जब आप इसे उखाड़ के देखेंगे तो इस तरीके से अगर आप इसे उखाड़ेंगे तो इसकी जड़ बिल्कुल ही सूखी हुई नज़र आएगी, जैसे ये जड़ बिल्कुल ही सूख गई है। ये उकटा रोग के लक्षण हैं, जो ऐसे ये जड़ बिल्कुल ही सूख गई है। तो इस तरीके से किसान भाइयों, ये इसकी पहचान हो गई। अब बात करते हैं इसके नियंत्रण की। तो नियंत्रण करने के लिए किसान भाई, सबसे अच्छी जो दवाई आती है वो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP आपको इस दवाई का प्रयोग करना है 500 ग्राम एक एकड़ के लिए 125 से 150 लीटर पानी में मिलाकर आपको स्प्रे करनी है। किसान भाइयों, अगर आप इस दवाई का प्रयोग करते हैं तो ये जो समस्या है आपकी, इसका नियंत्रण हो जाएगा। किसान भाई, स्प्रे में आप ध्यान रखें कि स्प्रे आप सुबह जल्दी या शाम को लेट करें, दोपहर के समय में स्प्रे ना करें, क्योंकि दोपहर में इस समय तापमान बहुत ज़्यादा होता है, उससे दवाई का असर इतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए किसान भाइयों, आप सुबह जल्दी या फिर शाम को 4 बजे के बाद आप स्प्रे करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक को बनाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।